कल मुझे कोई पूछता था कि इतनी समस्याएं लोग आपके सामने रखते हैं तो आप परेशान नहीं होते। मैंने उन्हें कहा, समस्या अपनी ना हो तो परेशानी का कोई कारण नहीं होता। समस्या दूसरे की हो तो कोई परेशानी नहीं होती है, समस्या अपनी हो तो परेशानी शुरू हो जाती। मेरी कोई समस्या इस अर्थों में नहीं है, लेकिन एक नए तरह का दुख अब जीवन में प्रविष्ट हो गया, और वो दुख ये है कि मैं अपने चारों तरफ जिन लोगों को भी देखता हूं उन्हें इतनी परेशानी में और इतनी पीड़ा में अनुभव करता हूं, जबकि मुझे लगता है उनके हल इतने आसान हैं, जबकि मुझे लगता है कि वो द्वार खटखटाएंगे और द्वार खुल जाएगा, और वो द्वार पर खड़े ही रो रहे हैं, तो एक बहुत नए किस्म के दुख और पीड़ा का अनुभव होता है। एक छोटी सी पारसी कहानी में पढ़ता था, एक अंधा आदमी और उसका एक मित्र एक रेगिस्तान को पार करते थे। वे दोनों अलग अलग यात्रा पर निकले थे, रास्ते में मिलना हो गया, और वो आंख वाला आदमी उस अंधे आदमी को अपने साथ ले लिया। वे कुछ दिन साथ साथ चले, उनमें मैत्री घनी हो गई। एक दिन सुबह अंधे आदमी की आंख, अंधा आदमी पहले उठ गया, सुबह उसकी नींद पहले खुल गई। उसने टटोल के अपनी लकड़ी ढूंढी, मरुस्थल की रात थी और ठंड के दिन थे, लकड़ी तो उसे नहीं मिली। एक सांप पड़ा हुआ था जो ठंड के मारे एकदम सिकुड़ के कड़ा हो गया था, उसने उसे उठा लिया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी लकड़ी तो खो गई, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत चिकनी और बहुत सुंदर लकड़ी मुझे तुमने दे दी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि तुम बड़े कृपालु हो। उसने उसी लकड़ी से अपने आँख वाले मित्र को धक्का दिया और उठाने की कोशिश की कि उठो, सुबह हो गई है। वह आँख वाला मित्र उठा, देख के घबरा गया, और उसने कहा कि तुम ये क्या हाथ में पकड़े हुए हो, इसे एकदम छोड़ दो, ये सांप है और जीवन के लिए खतरनाक हो जाएगा। वह अंधा आदमी बोला, मित्र ईर्ष्या के वश तुम मेरी सुंदर लकड़ी को सांप बता रहे हो, चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो तुम इसे उठा लो। लेकिन अंधा जरूर हूं, लेकिन इतना नासमझ नहीं हूं। उस आंख वाले आदमी ने कहा, पागल हो गए हो, उसे एकदम छोड़ दो, वो सांप है और जीवन का खतरा है। अंधा आदमी हंसा और बोला, तुम इतने दिन मेरे साथ रहे लेकिन ये ना समझ पाए कि मैं भी समझदार हूं, मेरी लकड़ी खो गई है और परमात्मा ने एक बहुत सुंदर लकड़ी मुझे दे दी है, तो तुम उसे सांप बता रहे हो। वह अंधा आदमी गुस्से में मित्र की इस ईर्ष्या और जलन को देख के अपने रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी देर में सूरज निकला और वो सांप की सिकुड़न समाप्त हो गई, उसकी सर्दी मिट गई, उसमें फिर प्राण का संचार हुआ और उसने उस अंधे आदमी को काट लिया। मैं जिस दुख की आपको बात कह रहा हूं वो वही दुख है जो उस सुबह उस आंख वाले आदमी को उस अंधे मित्र के प्रति हुआ होगा। वैसे ही एक दुख में चारों तरफ जो लोग दिखाई पड़ते हैं उनके प्रति मुझे अनुभव होता है। वे हाथ में जो लिए हैं वो लकड़ी नहीं है, वे हाथ में जो लिए हैं वो सांप है, लेकिन अगर मैं उनको कहूं कि ये सांप है तो शायद उनके मन में हो, न मालूम किस ईर्ष्या के वश, न मालूम किस कारण हमारी लकड़ियों को सांप बताया जा रहा है। ये मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि आपके पड़ोस में जो बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूं, बिल्कुल आपके लिए कह रहा हूं। और आपके सबके हाथों मुझे सांप दिखाई पड़ते हैं, और आप जिनको भी सहारे समझे हुए हैं और लकड़ियां समझे हुए हैं वो कोई सहारे नहीं है और कोई लकड़ियां नहीं है। लेकिन इसके पहले कि आप रास्ता छोड़ के चले जाएं और समझें कि मैंने ईर्ष्या बस आपकी लकड़ी छीनने को कोई बात कही है इसलिए एकदम उसे सांप नहीं कहता हूं, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो आप पकड़े हुए हैं वो गलत है,
बल्कि ये भी नहीं कहता हूं कि जो पकड़े हुए हैं गलत हैं, यही कहता हूं कि कुछ और भी श्रेष्ठ है जो पकड़ा जा सकता है, किसी और विराट आनंद को पकड़ा जा सकता है, जीवन में किन्हीं और बड़े सत्यों को पकड़ा जा सकता है। जो आप पकड़े हैं वो आपके डुबाने का कारण हो जाएगा। जीवन भर हम जो करते हैं वही हमें डुबा देता है, सारे जीवन को नष्ट कर देता है। और जब जीवन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब हमें जो पीड़ा और परेशानी पकड़ती है, मृत्यु के क्षण में, अंतिम दिनों में जो मनुष्य को कष्ट पकड़ लेता है, जो संताप पकड़ लेता है, वो यही होता है कि एक बहुत अद्भुत जीवन को मैंने व्यर्थ खो दिया।